दोस्तों मारुति ऑल्टो के नई जनरेशन को कंपनी भारत में करने जा रही है जुलाई में लॉन्च। मिलेंगे कई खास फीचर्स, कीमत हो सकती है मात्र 3 लाख रुपए से भी कम। तो चलिए जानते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मारुति सुजुकी की तरफ से एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि देश की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी भारत के लिए 2 नई एंटी लेवल हैचबैक कार को लॉन्च करने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक ये नई मॉडल कंपनी की लोकप्रिय ऑल्टो और सिलेरियो के रिप्लेस में लाया जाएगा, जिसकी कीमत बेहद ही 3 लाख रुपए से भी कम रखने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो वर्तमान मॉडल के तुलना में काफी स्मार्ट और इंटेलिजेंट भी होने वाली है। दोस्तों अगर डिजाइन की बात करी जाए तो नई ऑल्टो के डिजाइन को पूरी तरीके से एक एसयूवी जैसी डिजाइन की हेडलैम्प्स और क्रॉसओवर जैसे फ्रंट ग्रिल के साथ लाया जा सकता है। नई जनरेशन ऑल्टो को कंपनी अपने हेक्टा कोर प्लेटफॉर्म पर तैयार करेगी, जो कि भारत में सीधा तौर पर मुख्य रूप से रेनॉल्ट स्क्विड से काफी तगड़ी टक्कर लेने वाली है। अगर बात करते हैं इंजन की तो नॉर्मल ऑल्टो के अंदर जो आप सभी को इंजन देखने को मिलता है उसके मुकाबले इस नई ऑल्टो का इंजन उससे 4 गुना ज्यादा एडवांस होगा। क्योंकि दोस्तों पहले आपको 796 सीसी का इंजन देखने को मिलता था और अब नई ऑल्टो के अंदर आपको 996 सीसी का इंजन ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन के साथ उपलब्ध करवाया जाएगा। यदि ये कार दोस्तों आपको पूरे 67 PSP की पावर और 92 Nm का पिकअप टॉर्क जनरेट कर पाने में क्षमता रखेगी। अगर माइलेज की बात करी जाए और ट्रांसमिशन की तो इसके अंदर आपको 5-स्पीड मैनुअली AMT का विकल्प देखने को मिलेगा। और माइलेज की बात करी जाए तो भारतीय बाजार में ये कार लॉन्च होने के बाद आप सभी को 27 से लेकर 29 तक का पेट्रोल वेरिएंट में माइलेज दे जाएगी। अगर ये CNG वेरिएंट में भी लॉन्च होती है तो करीबन इसका 32 तक माइलेज जाना संभव है। और दोस्तों न्यूज रिपोर्ट की माने तो नई जनरेशन ऑल्टो में सुरक्षा के माध्यम से मारुति सुजुकी ने ग्राहकों के लिए काफी ध्यान पूर्वक दिया है। इसके अंदर दोस्तों आपको फ्रंट में एयरबैग्स देखने को मिलते हैं, जो कि नॉर्मल फैब्रिक से नहीं बने होंगे, जो कि एडवांस फैब्रिक के यूज करके बनाए गए हैं। और साथ ही साथ EBD के साथ ABS, रिवर्स पार्किंग सेंसर, सीट बेल्ट रिमाइंडर और स्पीड अलर्ट सिस्टम जैसे अन्य कई न्यू फीचर्स को भी मौजूद करवाया गया है। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी काफी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को बिना लाइक करे बिल्कुल मत जाइएगा और अपना सपोर्ट दिखाते हुए वीडियो के नीचे कमेंट करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही नेक्स्ट।